डियर स्टूडेंट्स टॉपिक इज टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी टर्मिनल आपने थोड़ा सा इसके बारे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी इनके जो है जो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हो इनके उसकी मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर एक हम सर्कुलर बॉडी लेते हैं तो वो वर्टिकली उस पर उसको ऊपर से फेंका जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगी उसके ऊपर जो है एयर की रेजिस्टेंस एक्ट करती है जिस जो है ड्रैग फोर्स एयर की एक्ट करेगी तो उसकी जो है जिस उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी बॉडी की अब नेट फोर्स जो है इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर सर्कुलर बॉडी है तो नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो किसके इक्वल है उसके वेट माइनस ड्रैग फोर्स इनकी उसके ऊपर जो है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन है और ड्रैग फोर्स जो है उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी माइनस जो है उसको ड्रैग फोर्स और यहाँ पे जो है एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस सिक्स पाई ईटा आर यानी कि उसका वेट जो है वो एम जी के बराबर होता है यहां करेंगे और न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए वो लिखेंगे एफ की जगह यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस सिक्स पाई ईटा आर वी जब किसी फॉलिंग बॉडी की ड्रै के ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है जब वो ड्रैग फोर्स जो है वो इस फॉलिंग बॉडी के वेट के बराबर हो जाती है तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है और उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं तो इसका जो है जब कोई बॉडी हमें मालूम है कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है तो uh, जो है क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब बॉडी मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम जीरो की वैल्यू ए की वैल्यू जो जीरो

ऑफ विस्कोसिटी इसके बारे में भी आप फर्स्ट ईयर में बढ़ चुके हैं विस्कोसिटी क्या है अब देखेंगे कि, ये, ये, ये कि देखें यहाँ पे आपको देखें मैथ कांस्टेंट क्वांटिटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट क्वांटिटी ईटा भी कांस्टेंट है सिर्फ आर जो है जिसपे डिपेंड करेगा वेलोसिटी अब हम रिलेशन देखेंगे वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन बनता है हमें ये मालूम है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम अब यहाँ पे डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से रो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको रो इज इक्वल टू एम बाय वी अब वी क्या है वॉल्यूम मैस इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम हमें मालूम है कोई भी स्पेरिकल बॉडी जो है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है फोर बाय पाई आर क्यूब अब हमने यहाँ पे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब पुट कर दिया है रो की जगह सॉरी वॉल्यूम की जगह तो इसके साथ हमने रो लिख दिया रोके रो इन टू वी में हमने वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो पुट की है जो कि फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अब यही मैथ की वैल्यू हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी की जो है इक्वेशन निकाली है उसमें हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे मैथ की वैल्यू तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है वी टी इज इक्वल टू एम फोर एम इंटू जी ओवर सिक्स पाई आर तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जगह एम की जगह फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब रो इंटू जी डिवाइडेड पाई स आर अब जो है जब इसको हम जो है पूरा सॉल्व कर लेंगे इस पूरे रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इस तरह से आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बाकी तो रह जाएगा टू जी आर का स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय नाइन ईटा अब यहाँ पे जो है टू uh, कांस्टेंट है जी भी कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है रो डेंसिटी कांस्टेंट है नाइन ईटा है ईटा भी कांस्टेंट है ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं और मल्टीप्लाई इन टू आर स्केयर यानी कि अब जो है वी टी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर यानी कि जो रेडियस होगा स्फेरिकल बॉडी का उसके स्क्वायर के यो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये था टर्मिनल, का ये टर्मिनल का रिलेशन है के जो है वो है है वो ये हमने इसका रिलेशन आउट किया है, उसका, टर्मिनल और रेडियस का ये तो था हमारा इसका टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक अब इसके बाद का जो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करेंगे हमें पता है ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फे एनर्जी उसके क्या है डेफिनेशन या उसके स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन तो फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड इनके टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी जो है हमारे पास जो है कंजर्व रहती है हमें मालूम है कि दो बेसिकल बेसिक एनर्जी जो है उसकी है एक कानेटिक एनर्जी है एक पोटेंशियल एनर्जी है तो टोटल इन दोनों का सम किया जाए तो वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है ई के बराबर है अब हम देखेंगे कि जो है वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और बॉडी एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाती है तो उसकी जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है क्योंकि हमें मालूम है कि बॉडी के अंदर जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है अब हम देख रहे हैं कि अगर उसकी इनिशियल पोजीशन बॉडी की हम एक्स नॉट लेते हैं और फाइनल पोजिशन हम इसकी एक्स लेते हैं तो डेल यू ये डेल यू क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर है माइनस डब्ल्यू के और ये बराबर है माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल की लिमिट्स ले रहे हैं एक्स नॉट टू एक्स क्योंकि उस पर उसके ऊपर जो है हम इंटीग्रेट uh, उसको कर देंगे तो वो चेंज इन जो है पोटेंशियल uh, एनर्जी के बराबर आ जाएगा अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स नॉट पॉइंट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अब यहाँ पे जो है Uh, अगर हम सपोज uh, करें कि जो उसका एक्स नॉट पॉइंट है इनिशियल पॉइंट जो है वो इन्फिनेटी पर वाकया है तो हमारे पास ये इन्फिनेटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी तो हमारे पास बाकी यू एक्स बच जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू तो माइनस इंटीग्रल माइनस एफ एक्स डी एक्स अब यहाँ पे हम जो है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन किसके बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल के और डेल के बराबर है इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में क्या है डेल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे यह, इसकी डब्ल्यू की यू यहाँ पे वर्क एनर्जी थुरम अप्लाई कर रहे हैं हम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स नॉट पॉइंट अब यहां पे जो है इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू की जगह हम जो है चेंज इन इनकानेटिक एनर्जी दिख रहेंगे वन बाय टू एम वी का स्केयर माइनस वन बाय टू एम वी नॉट का स्केयर यानी कि एम वी नॉट का स्केयर जो वी नॉट विलॉसिसी है उसी बॉडी की एट एक्स नॉट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे और वी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी है अब यहां पे इसका देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस वन बाई टू एम वी का स्केयर प्लस अब यू एक्स प्लस इधर ले आए और ये उधर ले जाए यू एक्स नॉट प्लस का स्क्यर इनके जो है उसकी इनिशियल जो है टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है फाइनल टोटल एनर्जी के क्योंकि ये ये है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कानाटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस कानेटिक एनर्जी अब दोनों का सम किसके बराबर है मैकेनिकल एनर्जी ई के बराबर ई e क्या है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन पर और इनिशियल वेलोसिटी पर जो जो है अब यहाँ पे देखें कि जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है ड्यूरिंग द मोशन दैट इज मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो ये था कि जो है वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशन इन कंजर्वेटिव सिस्टम ये हमारा ये आज मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जो है देखेंगे टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकती हैं ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज